कितने बजे तक रहते हो आप? 4 बजे से 8 बजे तक। 4 बजे से 8 बजे सारे दिन रहते हो? अभी दी थी। नहीं नहीं पैकिंग के लिए दी ना आपके, ऐसा 10 बड़ा पाव है ये रीना वो दो। दीदी टाइमिंग क्या है आपकी? 4 बजे से 8 बजे तक भैया। सारे के सारे डेज आप खड़े हो तो यहाँ पर जल्दी नहीं सर, बुधवार को ऑफ है। हाँ जी बुधवार को यहाँ बुध मार्केट लगता है इसलिए ऑफ है। बुधवार को छोड़ के सारे दिन हो? 4 बजे से 10 बजे तक। अभी हम पिछली बार गए थे, वो लड़का नहीं है वायरल वाला जो अभी आजकल वायरल चल रहा है, तो हमने लेटेस्ट आपकी वीडियो देखी कि आप भी उनसे मिलने गए थे, तो आप क्या मतलब बात करने गए थे वहाँ पे ऐसी? हार्ड वर्क सेलिंग वड़ा पाव गर्ल इन फेमस इन दिल्ली। होम डिलीवरी भी करवाते हैं आप? फ्यूचर में ओपन करना चाहेंगे होम डिलीवरी? ओके स्विगी जोमेटो अवेलेबल है। तू तो छोड़ के यहाँ चला गया। मैं तो बचपन से मुंबई में रही हूँ तो मुंबई का वड़ा पाव का टेस्ट आया है, तो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैसे ना। आप खा के ये कोशिश कीजिएगा। ठीक है ठीक है, खिलाइए 2 वड़ा पाव। चार पैक भाई आप आओगे? बोल भाई मैं काम नहीं रोक सकता मेरे भाई, मैं नहीं रोक सकता। थोड़ा पीछे आ जाओ, तो तूने बोल दिया मैं आ गया। आ जाओ थोड़ा सा उतरो ना भाई, सेट हो। 2 मिनट भी रुका ना तो बहुत लंबी लगेगी। कोई इशू नहीं भाई, आपने से कितने पहले भी खाया वड़ा पाव? हाँ चले जाओ, क्या चाहिए जगह नहीं हो तो वीडियो बनानी है ना, अगर चले जाओ कोई दिक्कत नहीं हो भाई, जा खड़ा उधर खड़े करके ना लाइन तो सीधी सीधी है भाई। कोई देर एक मिनट बड़े तो आने देते, बड़े आगे दे रहे। आप एक बात बताइए, दिन भर में कितने बिक जाते होंगे फिर भी बड़ा पाव? कभी काउंट नहीं किया, कभी काउंट नहीं किया आपने? कभी नहीं। और घर में ये सिखाया है रोटी गिन के नहीं खाते, और आती लक्ष्मी को कभी गिनते। चार भैया गए बस यही है कि जब तक दुकान होती मेरा हाथ रुकता नहीं। लीजिए मैं सर एक सर आपके खाने के लिए। ये लो भैया पैसे काट। एक मिनट मासी 50 रुपए दे रहे सर। हाँ जी भाई दीदी 6 मासी फटाफट दे दो पैसे। दीदी का होगा फिर आपका आएगा। हाँ भाई 50 रुपए। आपकी बेटी अभी ठीक है? नेक्स्ट आना भाई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वो कभी आते हैं यहाँ पर? हाँ हाँ भाई भाई थोड़ा रास्ता दे दो। 8 बजे तक घूमते एक बार मिलने आते हैं। स्कूल आया 6 पैक 4 खाने। एंड ये जो 6 पैक और 4 खाने कब से कितने टाइम से सब मतलब चालू हो जाता है? 5 बजे से लेके शाम के 4 बजे 8 बजे तक का सफर। हाँ यही बोले 6 खाने 4 पैक 4 या 5 घंटे बाद। अच्छा मुंबई में तो देखिए बहुत लोकल है ये चीज वड़ा पाव, लेकिन यहाँ पर जो अलग ही दीवानगी चल रही है दिल्ली में भी लोकल बना दिया मैंने। अब ये पूरा लोकल हो चुका है वैसे दिल्ली में भी। आप किसी भी साइड जाओगे ना तो वड़ा पाव ही मिलेगा हर जगह। और नाम जिसने ट्रेंड रहा है उसी को बोलते हैं उनका मत खाना हमारा खाओ। हाँ ये तो है, बट ये अच्छी चीज है ना कि स्ट्रीट फूड में मोमोज ऐसी चीज चल रही थी जो हानिकारक है शरीर के लिए। अब वड़ा पाव आ गया कम से कम हानिकारक तो नहीं है शरीर के लिए। मैं अपना काम करती हूँ लोग मेरी भैया, ये उधर ही दे दो। 3 हो गए भैया ना।
आपके चार खाने को देने थे ना? खाने को छह है भैया, खाने को छह है, तीन हो गए, तीन और देने और पैक चार है भैया। तो भाई साथ में साड़ी गड्डी वाली दीदी भी आ गई अपनी, क्या बात है दीदी, कैसे हो? पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन शादी के लिए आपको बहुत बहुत। शादी के लिए मेरे पास ये दो चार पूछ गया है। दीदी आई नहीं, दीदी आई नहीं, मैंने कहा दीदी आपसे मिलने नहीं आई है अभी। अभी आप दीदी से आप नहीं, अभी अभी लेके जो चलने में है आगे वाली चैलेंज करती हूँ उनको ओपनली, मेरा टेस्ट एक मिनट का भीड़ का है आप लोग खाए या बड़ा का अभी खा रहे हैं दूसरी बार। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। जब लाइट में लगोगे ना तो भूख और बढ़ जाएगी और फिर जब मजा आएगा और मजा आएगा। मेरे को भी दे दो मैं बड़ा पाव तो नहीं लूं, 50 का50 रुपए देना टोकन कहाँ से दे रहे छोटू? लाइन ही लाइन है भाई, अगर लाइन में कोई है भी सारे तो फोटो खींच रहे हैं। कौन सी लाइन में लगू? ऊपर सारे के सारे कैमरा लेके फोटो खींच रहे हैं, ऊपर लिखा भी है और इधर भी लिखा है। हाउसवाइफ भी है राइट?